प्रदेश में ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट महसूस की गई है। उत्तर से आ रही हवाओं के कारण ये ठंड बढ़ रही है और ग्वालियर और दतिया में पारा 60 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। भोपाल में पारा 13 डिग्री है। पिछले 24 घंटे में 1.5 डिग्री तापमान गिरा है। प्रदेश के 10 जिलों में 10 डिग्री के नीचे पारा पहुंच चुका है और 13 दिसंबर तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की आशंका है। तो ठंडी हवाओं से तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट है। उत्तर से आ रही हवाओं के कारण ठंड लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा ठंडा शहर अगर कहें तो ग्वालियर है और साथ ही दतिया में भी पारा 7 डिग्री के नीचे है। सहयोगी आकर्ष हमारे साथ लाइव बने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, ठंड की आशंका से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, भोपाल में क्या कुछ स्थिति? अवंतिका, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसके बाद यदि हम बात करें, किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, ना अरब सागर में है, ना बंगाल की खाड़ी में है, जो मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करता है। ऐसे में आसमान साफ है, उत्तर की तरफ से सीधी हवाएँ जो आ रही हैं वो प्रदेश को ठंडा कर रही हैं। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि ग्वालियर और दतिया जैसे जिले ऐसे हैं मैदानी इलाकों वाले, जहाँ पर पारा जो है 60 डिग्री तक पहुँच गया है। और यदि हम बात करें, 10 जिले ऐसे हैं जिनमें 10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि तक किसी तरीके का सिस्टम नहीं बनने की आशंका है, तो करीब 5 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। और यदि बात करें तो और टेम्परेचर करेंगे, शीतलहर चलने की आशंका जताई जा रही है। कोहरे की बात करें, विजिबिलिटी की बात करें, तो वो लगातार कम होगी। ऐसे में जो हवाई यात्रा करने वाले लोग हैं, ट्रेनों से सफर करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये ठंड किसानों के लिए लाभदायक है। तो जो लोग बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कड़ाके की ठंड का, तो उन्हें जरूर ये खुशी देने वाली बात रहेगी। अवंतिका, शुक्रिया आकर्ष इस पूरी चर्चा के लिए। तो ठंड का आभास कहीं ना कहीं प्रदेश में होने लगा है। ग्वालियर और दतिया में पारा 7 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और ठंडी हवाओं से तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट आई है।